फ्रेंड्स, ये है कैनन 2020 प्रिंटर की जो फ्रंट पैनल की जो केबल होता है, ये मेन जो बीच में रहता है बड़ा वाला, वो केबल है। तो इसको चूहे ने ऐसी जगह काटा है, तो आप लोगों को देख ही रहा होगा, इसका 3-4 लाइन ब्रेक हुआ है इस साइड और दूसरे साइड भी ब्रेक हुआ है 2 लाइन। तो ये केबल तो आपका थोड़ा सा लंबाई रहता है, बैंड होकर रहता है, तो जितनी जगह कटा है तो वो मैं फेंक देता हूँ। और इसको अभी हम रिपेयर करेंगे, वो रिपेयर कैसे करेंगे वो मैं सही तरीका दिखा रहा हूँ। और ये जो मैंने कटा है वो ब्लू कलर का पीछे रहता है, उसका भी ज़रूरत है। तो इसको सही करने के लिए हमें ये देखिए नया ब्लेड चाहिए, एकदम करने के लिए ये नया ब्लेड चाहिए हमें। और मैं ये केबल को सही करूँगा, क्योंकि मैं ये केबल मेरे स्टॉक में नहीं है और मिल भी नहीं रहा है, तो इसको मैं सही करता हूँ। देखिए पहले ये टेबल पे मैंने रखा है, बट ये टेबल थोड़ा सा ऊबर खबर है, तो इसीलिए इसमें करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए मैंने ट्राई तो कर रहा हूँ, मैं ट्राई जब कर रहा हूँ तो ये सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मेरे को चाहिए एक प्लेन सरफेस, ठीक है ना। जब प्लेन सरफेस जब होगी इसके नीचे, केबल के नीचे, तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, और ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होगा। हालांकि मैंने इसका वीडियो तो नहीं बनाया प्रिंटर के साथ, मैं सिर्फ केबल का ही रिपेयर करने वाला हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, और बिल्कुल आसानी से ये केबल हमारा सही हो रहा है। तो इस काम को करने के लिए धीरे से करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी। और ये केबल को आपको एक ही चांस मिलेगा, नहीं तो आपका जितना बार आप गलती करोगे तो इस केबल को काटना पड़ेगा, काट के फिर से लगाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा गलती करेगा तो इसको मतलब ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर केबल लंबा है तो कोई बात नहीं, इसको हम 2-3 बार काट के कर सकते हैं। बट अभी देखिए ये हमारा लगभग रेडी है, और मैं अच्छे से दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखिए लगभग हमारा पूरा हो ही गया है, और मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, जो हमारे यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चारों तरफ कुछ ना कुछ आपका माइक बजता है, यानी कि तो वॉइस देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। तो अभी देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ये दोनों साइड का सिर्फ बाकी है। बट वो बाकी इसलिए है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा जो इसका टेक्निक है, ये देखिए अभी मैं उल्टे साइड से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उस साइड से करेंगे तो ये साइड से कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बाद में जब हम वो पीछे का जो और रहता है आपका ब्लू कलर का, वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको उल्टे साइड से करेंगे, हालांकि मेरे केस में ये कंप्लीट हो गया है। और ये आपका जो मैंने काट के फेंक दिया था, उसमें से ये ब्लू कलर का शॉप कर रहा था, अभी ये याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या, जो भी हो उसका हम अभी देखिए निकल लिया। अभी इसको क्या करेंगे, हम जो फेविक्विक है, फेविक्विक हल्का सा इसमें डालेंगे, हल्का सा इसमें डाल के वो जो केबल हमने बनाया है उसको अच्छे से एकदम अच्छे से अलाइन करेंगे, क्योंकि दूसरा चांस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही बार चांस मिलेगा।
ये देखिए, फिर भी मेरा एक बार में अलाइन अच्छे से हुआ नहीं, तो मेरे को इसको खोल के दोबारा लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अच्छे से अलाइन नहीं होगा तो केबल जब हम कनेक्ट करेंगे तो अच्छे से इसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये फिर भी कोई 3-4 दिन पुराना है, तो इसीलिए इसका टेम्पर थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए मैं फिर से इसको खोल के देखिए, फिर से इसे अलाइन कर दिया है, और ये पीछे से मैं फेविक्विक लगा दे रहा हूँ। अगर गलती से ज़्यादा फेविक्विक इसमें डाल दिया आपने, तो आपने जो केबल बनाया है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसके ऊपर ब्लेड से आपको घिसना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अभी प्रॉपर है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो और एक केबल का जो जुगाड़ है वो मैं बताने वाला हूँ, वो भी देखिएगा, अभी वीडियो स्किप मत करिए। ये देखिए हमारा केबल प्रॉपर है और हमें जितना चाहिए वो यहाँ पे प्रॉपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। ये देखिए स्कैनर का केबल है, अगर सॉरी स्कैनर का नहीं है, ये फ्रंट पैनल का ही केबल है। स्कैनर का केबल तो सही है इसमें। ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही लाइन इसका कट गया है, तो इसलिए हम इसको पूरा बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बदलने में टाइम भी लगेगा और मेरे पास फिलहाल है भी नहीं। तो अभी क्या करेंगे इसमें हम, हालांकि जिसमें देखो आप ध्यान से, एक ही लाइन कटा है तो मैंने पहले से इसमें देखिए छील के रखा है दोनों तरफ, तो ब्लेड से आपको ऐसे करके छीलना होगा। देखिए मैंने जैसे करके रखा है, ये देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें चांस एक ही बार मिलेगा। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से छील रखा है और इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। ये अभी मैंने पेस्ट लगा दिया है, दोनों तरफ पेस्ट लगा के हम इसको सोल्डरिंग करेंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। ये सिर्फ एक, अगर एक हो दो हो तब ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आप देखिए मैंने पेस्ट लगा के हल्का सा बस इसको छूना है बस। अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे सोल्डरिंग आयरन तो ये गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने बस छुआ है इसमें, देखिए छूते ही इसका जो कनेक्शन है वो निकल आया बाहर। अभी इसमें मैं वायर जोड़ने वाला हूँ। आप लोग अगर जम्पर वायर है अच्छा है वाला, तो जम्पर वायर जोड़ सकते हो आप लोग। और पीछे मेरा फोन मैसेज आ रहा है, तो ये देखिए एक ज्वाइन कर दिया और बस हल्का सा ही छूना है बस, ज़्यादा अगर सोल्डिंग आयरन रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए पेस्ट देना ज़रूरी है, बिना पेस्ट का ये होगा ही नहीं। ये देखिए बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।